नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक और फ्रेश क्यू एन ए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज संडे है, तो आज संडे के दिन हम क्यू एन ए वीडियो बनाते हैं जिसमें आप सभी लोग हफ्ते भर में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उन सारे सवालों का इस वीडियो में जवाब देते हैं। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है मनरूप कौर की तरफ से। इनका यह क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो मनरूप कौर जी, वैसे तो काफ़ी सारे अंतर होते हैं, अगर आप बोलेंगी तो मैं उसके बारे में एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो मेन अंतर होता है वो मैं आपको बता दूं। तो डेबिट कार्ड में अगर आप जो आपके अकाउंट में जितना पैसे जमा रहते हैं उसी का आप यूज कर सकते हो, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन करना हो, जो भी पेमेंट करना हो, आपके अकाउंट में जितना पैसे जमा रहेंगे उतना ही आपको अपने डेबिट कार्ड से यूज करना होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड आप समझ लीजिए एक लोन की तरह, यानी कि एक उधार की तरह होता है। तो आपके अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 आपके अकाउंट में है, तो आप 20,000 रुपए का भी कोई शॉपिंग परचेजिंग करना चाहते हो तो आप लोग 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा अपने बैंक से उधार ले लोगे और उसको बाद में आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे ईएमआई के थ्रू कर दीजिए या फिर डायरेक्ट पेमेंट पूरा आप कर सकते हैं। तो ये मेन अंतर होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके बारे में सारा जितना भी अंतर होता है उसका एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महक गुरुंग की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। इनका मतलब ये क्वेश्चन है कि अगर बैंक का कोई भी फॉर्म फिलअप करते समय कोई गलती हो जाती है तो क्या करें। तो महक जी, मैं आपको बता दूं, अगर फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती हो जाती है, अगर मान लीजिए कोई माइनर गलती है, तो वहीं पे आप इसको हल्का सा तिरछे काट कर आप लोग वहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा गलती हो जा रही है तो आप बैंक से फिर न्यू फॉर्म ले लीजिए। बैंक का कोई भी फॉर्म फ्री आता है, उसके लिए पैसे लगते नहीं, तो आप एक न्यू फॉर्म ले लेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ पाडवी की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि क्या इंस्टा क्लिक अकाउंट जनधन अकाउंट है और इसमें अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो डेबिट कार्ड को कैसे ट्रैक किया जाता है। तो मैक्स जी, जो इंस्टा क्लिक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लॉन्च किया गया, वो जनधन अकाउंट नहीं है। हालांकि ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन ये जनधन अकाउंट नहीं है। और इसमें डेबिट कार्ड ट्रैक करने के लिए आप नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग का सहायता ले सकती हैं। नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से आप अपने डेबिट कार्ड को ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने पहली बार अकाउंट ओपन किया है तो वो बैंक की तरफ से पहली बार आपको दिया जाता है डेबिट कार्ड, तो वहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर कोई तो मिलता नहीं है, तो पहली बार आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिर से कभी अप्लाई करते हो तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जाकर आप बड़े इजीली अपना डेबिट कार्ड ट्रैक कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक राजा सिंगर कुमार की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि चार्जेस कितना लगता है डेबिट डीडी बनवाने में। तो जी, डीडी बनवाने के लिए जो चार्जेस लगते हैं हर बैंक का अलग अलग होता है, और जितना भी आपका अमाउंट होता है उस अमाउंट पे जो भी चार्जेस लगता है वो बैंक आपको बता देंगे। जितने भी अमाउंट का आप डीडी बनवाने जाओगे तो वहाँ पे बैंक के एम्प्लॉई से आप पूछ लोगे कि इतने अमाउंट का हमें डीडी बनवाना है तो कितना चार्जेस लगेगा, तो वो आपको बता देगा। या फिर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डीडी बनवा रहे हैं, आजकल इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी डीडी बन रहा है, तो अगर उसके थ्रू आप डीडी बनवा रहे हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जैसे ही आप अमाउंट फिलअप करोगे वैसे जितना चार्जेस होगा वहां पे कैलकुलेट होके आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्श खान की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि मेरा हेडफोन रिटर्न नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की थी, हेडफोन परचेज किया था और अब इनका हेडफोन रिटर्न नहीं हो रहा था। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने भी फ्लिपकार्ट से एक गूगल नेस्ट मिनी ऑर्डर किया था और उसके बाद उसमें कुछ खराबी हुई थी तो मैं उसको रिटर्न नहीं कर पा रहा था। लेकिन काफ़ी मशक्कतों के बाद अब फाइनली अभी परसों ही मेरा गूगल नेस्ट मिनी रिटर्न हो चुका है और रिफंड भी आ गया है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कैसे, अगर हम इस समय यानी कि कोरोना में आप देख सकते हो वहां पे 7 डेज रिप्लेसमेंट जो पॉलिसी लिखी है उसके अंदर आप जाओगे टर्म्स एंड कंडीशन में, तो वहां पे काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिलेंगे। ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में बताया है। तो अगर आप लोग का कोई सामान अगर आप परचेज किए हो, अगर आप रिटर्न करना चाहते हो, उसमें कोई डैमेज है या फिर कोई खराबी है, तो कैसे रिटर्न करना है आप बोलोगे तो मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत प्रधान की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि जनधन को सेविंग अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल पे जाकर विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी जनधन अकाउंट को कैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामिद राजा की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि क्या सर
सिर्फ लड़कियों को ही रिप्लाई कर रहे हो और आप और लोगों पे भी ध्यान दो। तो नेक्स्ट हामिद राजा जी, इनको मैंने वैसे रिप्लाई कर दिया था। तो हामिद राजा जी, बात यह है कि मैं सिर्फ लड़कियों को ही रिप्लाई नहीं करता, जो भी मतलब जब भी कमेंट आते हैं, तो वैसे अगर मैं बिजी नहीं हूँ, अगर मैं उस प्रेजेंट टाइम पे जब भी कमेंट आते हैं तो अगर मैंने देख लिया है तो फिर मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। और बाकी अगर आप लोग को कोई भी रिप्लाई मतलब तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई पाना हो, तो आप लोग जो भी मतलब प्रेजेंट टाइम जो वीडियो अपलोड करता हूँ, यानी कि जो न्यू वीडियो होती है, बिल्कुल न्यू वीडियो, उस पर आप कमेंट करोगे तो आपको तुरंत ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जो पुराने वीडियो होते हैं उसके कमेंट काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं तो नीचे दब जाता है। सो अगर आप लोग को कोई भी इंस्टेंट रिप्लाई पाना हो तो आप न्यू वीडियो पर कमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली रिप्लाई पा जाओगे। या फिर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पेज पे, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आपका फॉलो कर लेंगे। अगर उस पर आप मैसेज करते हो तो फिर तुरंत ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उदी पता पतगिरी की तरफ से। इनका क्वेश्चन कि मेरे पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है लेकिन वोटर आई डी कार्ड नहीं है, अब मैं करेक्ट 18 साल का हो चुका हूँ, तो क्या मेरा जो पहले से अकाउंट है माइनर अकाउंट, उसको मैं अब कन्वर्ट करा सकता हूँ मेजर अकाउंट में? तो जी बिल्कुल, आपके पास अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो उससे ही प्रूफ हो जाएगा कि आप 18 साल के हो। इसके साथ ही आप अपना एक हाई स्कूल या फिर जो भी मार्कशीट होगा हाई स्कूल का, उसको भी आप लोग जमा कर दोगे, यानी हाई स्कूल की मार्कशीट का फोटोकॉपी, साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर दोगे तो आपका जो माइनर अकाउंट है वो मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसराज गुज्जर की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि यदि पति पत्नी दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है तो क्या हम नॉमिनी पत्नी को बना सकते हैं? तो हंसराज गुज्जर जी, आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है और आप अपनी पत्नी या फिर हस्बैंड को ही ज्वाइंट नॉमिनी बनाना चाहते हो तो आपको बनाने कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर अकाउंट ओपन करते समय आपको एक ऑप्शन मिलता है आइदर सर्वाइवर का, तो अगर वहाँ पे आप आइदर सर्वाइवर का ऑप्शन चूज करते हो तो दोनों में से मतलब कि आप दोनों लोगों में से अकस्मात अगर कभी किसी की अचानक मृत्यु होती है तो अपने आप जो सेकंड बंदा रहेगा वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, तो इसके लिए नॉमिनी बनाने कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हो, जैसे कि बच्चे अपने बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली बना सकते हो, और पति पत्नी को भी बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि कुछ देर पहले इन्होंने इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन किया था HDFC बैंक में, तो उसकी फुल KYC कैसे करें? तो RH जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ दिन पहले, जैसे कि एक हफ्ते के पहले अगर आपने अकाउंट ओपन किया HDFC बैंक में इंस्टा सेविंग अकाउंट, तो आपको अपने ब्रांच जाकर ही अपनी फुल KYC कंप्लीट कराना पड़ेगा। अभी एक हफ्ते पहले आया है वीडियो KYC का, लेकिन वीडियो KYC सिर्फ उन्हीं अकाउंट में हो रहा है जो आप अब ओपन करोगे, यानी कि आप फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट टाइम में अगर HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करते हो सेविंग, तो उसमें आप लोग को वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें आप लोग घर बैठे ही अपना वीडियो KYC के थ्रू अपना फुल KYC कंप्लीट करवा सकते हो। उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। अब बाकी अगर आप लोग पहले का किए हो तो उसमें आप लोग को ब्रांच जाकर ही अपनी फुल KYC कंप्लीट कराना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है कमलेश चौहान की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि मैं मुंबई से हूँ और मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में यूपी में अपने गांव में आया हूं, और जो मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो मुंबई का ही है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा कि मैं अपने गांव में भी एक बैंक अकाउंट ओपन करा लूं? तो अपने गांव में जिसके भी, अगर आपका खुद का गांव है, खुद का मकान है, तो आप अपने मकान का लाइट बिल, पिछले 6 महीने का लाइट बिल दे दोगे तो वही एड्रेस प्रूफ के रूप में माना जाएगा। बाकी आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दे देंगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हफ्ते भर के कुछ क्वेश्चन जिनको आपने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा था। लगभग मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और इसी तरह अगर आप लोग को भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह की हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।